नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और अगर हम वापस एक बार अगर यूएस मार्केट्स या यूरोपियन फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वहां पे हमने एक अच्छा खासा वीकनेस देखा था। यूरोपियन फ्यूचर्स लगभग 3% नीचे थे क्योंकि वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस और भी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम आज के दिन में अगर यूएस फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे वीकनेस है। सिंगापुर निफ्टी 30-35 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है क्योंकि इन द लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेडिंग हमने इंडियन मार्केट्स में भी एक बड़ा सेल ऑफ देखा था। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि मार्केट का जो एक ओवरऑल मूड है वो एक निगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन डाउन साइड में भी हमने देखा कि एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में कई बार आता है। ऑन फ्राइडे मार्केट ने 17,400 के लेवल्स को नहीं तोड़ा, 17,730 के लेवल्स को ऊपर में क्रॉस नहीं किया, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट वॉज वेटिंग फॉर सम स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो ऑन द वीकेंड। और मुझे लगता है कि आज वहाँ पे हमें एक डायरेक्शनल एक्टिविटी देखने मिलेगी। 17,730 के ऊपर 18,000 तक के चांसेस है। 17,850 एक माइनर रेजिस्टेंस रहेंगे और 17,400 के नीचे यदि अगर मार्केट गिरता है तो फिर 17,250 से लेकर 17,100 या 150 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। तो जब तक इस रेंज को क्रॉस ना करें तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में आप सिलेक्टिव स्टॉक्स को बिल्कुल खरीद सकते हैं, वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल बनेंगे। लेकिन निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।